अस्सलाम वालेकुम नज़र चौहान, एक दफ़ा फिर साहिल समंदर से आपके साथ रूहानियत पर वीलॉग में हाजिर। आप मेरे पीछे ये सी पे जो देख रहे हैं समंदर की वेव्स, आपको मून लिट नज़र आ रही हैं। आज यहाँ चांद की 12 तारीख है और काफ़ी हद तक सर्कल चांद का कंप्लीट हो रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप कभी अगर आपको ऊपर टेरेस है आपके घर में और वेदर अलाउ आपको करता है तो आप ज़रूर अपनी शर्ट वगैरह उतार के अपनी बैक चांद को एक्सपोज करके बैठें। एंड कोई भी आप किसी किस्म का विर्द मंत्रा सुकून लें और अपनी तवज्जो जो है वो कॉस्मिक यूनिवर्सल डांस की तरफ दें, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चांद की जो रोशनी है ये बहुत ज़बरदस्त एनर्जी कैरी करती है। ये आपको पता ही है कि बोरोड है, ये सूरज की तरह नहीं है, ओरिजिनल तो सूरज की रोशनी है जो कि बड़ी डेंजरस है, जिसके भी फ़ायदे रिफ्रैक्शन में है। लाइक हायर यू गो द कूलर इट इज़, बंदा हैरान होता है जी कि आप हाइट में जाने से तो सूरज के करीब हैं बेसिकली, तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं रेज ज़मीन से, तो लिहाजा वो अपना असर करती हैं। और फिर चांद सूरज की जो मूवमेंट है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के हिसाब से वो फिर टेम्परेचर्स में असर डालती हैं। कुछ कुदरती तरीक़ों से अपने आप को, किसी आप लेक में चले जाएं, किसी कैनाल में चले जाएं, और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये यकीन करें बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए तो ये जब तक ये नज़ारा कायम है, ये चांद की रोशनी कायम व दाइम है, मैं तो इधर ही बैठा रहूँगा और बहुत इससे लुत्फ़ अंदोज़ होऊंगा और बहुत सुकून लूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ने के पास।